Hello everyone and welcome again. In today's class we will be discussing the concepts related to the capitalism या market economy आप कह लीजिए और command economy जहाँ पे दो variation देखने को मिलते हैं socialism और communism. Basically काफ़ी सारा confusion यहाँ पे रहता है बच्चों को और especially अगर हम socialism communism की बात करें तो यहाँ पे हम difference भी देखेंगे, concept को भी समझेंगे और आज example के तौर पे भी लेंगे कि कौन सी economies हैं जिनको आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं ना, कैपिटलिज्म से लिंक कर सकते हैं, सोशलिज्म या कम्युनिज्म से लिंक कर सकते हैं. पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं. आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माय नेम इज राहुल भारद्वाज. इस सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाता है. इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा आप पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस एक्सेस हो जाती हैं. इस लिंक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अभी आपकी क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसकी क्लास डेली बेसिस पे 9:15 है. तो आज 29th को भी इसकी क्लास रहेगी. डेफिनेटली कैन ज्वाइन मी इन दिस क्लास. अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन. अनअकैडमी आपको देता है घर बैठे यूपीएससी की पूरी तैयारी का मौका इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ. यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, डाउट सॉल्विंग सेशन, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज जैसे सभी रिसोर्सेज एक ही जगह पर प्राप्त हो जाते हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं. अभी आप 20% का डिस्काउंट ये ले सकते हैं बाई यूजिंग द कोड RBLive. सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं, टेलीग्राम पर भी रहते हैं. ये ऑफर आपका 30 जून तक वैलिड है. इसके अलावा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम और मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करेंगे. जो भी हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, ये एक तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है. डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं. इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? एक तरह का तरीका है जिसके माध्यम से यहाँ पर सोसाइटी डिसाइड करेगी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए. फाइन, कि कौन यहाँ पे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है तो किस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्शन किन किन चीज़ों का होगा, कैसे ये जो जो भी वस्तुएं गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनके रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. फॉर एग्जांपल एक सिस्टम एक इकोनॉमिक सिस्टम होगा जहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो उसको अगर मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको ड्रग्स की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो उसको मेडिसिन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. जबकि दूसरा एक इकोनॉमिक सिस्टम ये कहेगा कि नहीं, आपकी अगर ज़रूरत है, आपको नीड है, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, डजंट मैटर कि आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो इस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम एक तरह के मीन है जिसके द्वारा सोसाइटी है या सरकारें हैं ये डिसाइड करती है कि कैसे हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनको ऑर्गेनाइज करना है, क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना. क्या यहाँ पे सरकार के हाथ में सब कुछ होगा या फिर यहाँ पे मार्केट फोर्सेज जो डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्सेज हैं उनके माध्यम से हम ये सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे. तो इकोनॉमिक सिस्टम अगर हम देखते हैं तो जनरली इनको 4 तरह की कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं. ट्रेडिशनल इकोनॉमीज हैं, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. ये 4 तरह की इकोनॉमी में हम इनको डिवाइड करते हैं. ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो आपने अगर हम कुछ साल पहले की चर्चा करते हैं इंडस वैली से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की अगर हम चर्चा करें और उससे पहले आप देखेंगे मिडाइवल यूरोप में फ्यूडलिज्म वाज देयर और कुछ जगह पे हमें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मिडाइवल पीरियड में भी देखने को मिलते हैं. इसके अंदर क्या होगा, जैसे आज के टाइम पे जो डिवीज़न है लेबर का, स्पेशलाइजेशन जो है, स्पेशलाइजेशन से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, वेस्टेज को कम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें. तो ये चीज़ हमें वहाँ पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में देखने को नहीं मिलती है और ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही बेसिक है. स्पेशलाइजेशन लेबर का नहीं है और यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं ना, जो भी चीज़ें इनको चाहिए वहीं पे अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही ये प्रोड्यूस करेंगे. सरप्लस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है ना, सरप्लस ये जनरेट नहीं करते हैं और सरप्लस जनरेट नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन इनका वो है तो वेस्टेज भी यहाँ पर कम है. वेस्टेज कम है तो सस्टेनेबल होंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इन सिस्टम के लिए कि ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं और सरप्लस आपका लैग करते हैं. लेकिन आज के टाइम पे इस तरह से ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है. आज के समय में अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो इकोनॉमीज़ या तो मार्केट इकोनॉमीज़ की तरफ मूव कर चुकी हैं या वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम देखते हैं इन जनरल सरप्लस हमें देखने को मिलते हैं. अब आता है सेकेंड हमारा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम. ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, इसे कैपिटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है. थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे भी हम देखेंगे. देखिए मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो है यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये डेवलप हुआ आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से ही आपका डेवलप होता है.
मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उन्हीं से इमर्ज आउट होगा। और आप देखोगे मिडाइवल यूरोप में फ्यूडलिज्म जब था तो फ्यूडलिज्म जब डिसइंटीग्रेट हटता है धीरे धीरे मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेट होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर भी कहा जाता है, ओके, चाहे मार्केट इकोनॉमी की हम बात करें या इकोनॉमिक्स की हम यहाँ पे चर्चा करें। इनकी एक किताब लिखी गई नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि जो मार्केट है या मार्केट से रिलेटेड जो फोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर हम चर्चा करें कि कोई भी जो व्यक्ति है, मान लीजिए आपको ज़रूरत है खाने की, है ना, फूड की ज़रूरत है, या आपको क्लोथ की ज़रूरत है, आपको कपड़ों की ज़रूरत है, तो आप मार्केट में जाते हैं आपको कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी चीज़ आवश्यकता है, नीड है, वो कैसे आपको मिलेगी, मतलब कौन उसको प्रोवाइड कराएगा। कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई क्लोथ यहाँ पे फैक्ट्री होगी, है ना, या हैंडीक्राफ्ट है, तो कोई ना कोई उसको बनाएगा, वहाँ पे कपड़े बनाएगा, तभी तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो फिनिश्ड जो गुड है वो कैसे आपको मिलेगा, फिनिश्ड जो गुड्स हैं, वस्तुएं या सेवाएं हैं, वो कैसे आपको मिलेंगी। तो इसका ये यहाँ पे रीज़न बताते हैं और कहते हैं इट इज़ द सेल्फ इंटरेस्ट विच मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स और फर्म्स टू डू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये सेल्फ इंटरेस्ट है जो कि लोगों को या फिर कंपनियों को मोटिवेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब अगर लोगों को लग रहा है या किसी कंपनी को लगता है कि कपड़े बनाने से यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे स्कोप है, लोगों को आवश्यकता है, डिमांड है कपड़ों की, तो एक पर्टिकुलर फर्म है, द कंपनी विल स्टार्ट मेकिंग द क्लोथ्स एंड विल जनरेट द प्रॉफिट। इसी तरह से आप देखोगे कहीं पे कोई टिफिन सेंटर चल रहा है तो लोगों को लगेगा कि हाँ, लोगों को टिफिन सेंटर की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, तो क्यों ना एक रेस्टोरेंट या टिफिन सेंटर खोला जाए और इससे हमें फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ द सेल्फ इंटरेस्ट। ये सेल्फ इंटरेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को मोटिवेट कर रही है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो भी वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो हमें यहाँ पे मिलती है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे मोटिवेट करता है लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है, दिस मोटिवेटिंग फैक्टर द इनविजिबल हैंड, इसको इनविजिबल हैंड भी कहा जाता है और मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये टर्म यूज़ की जाती है, इनविजिबल हैंड। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, ये है कोरोना से जस्ट पहले वाला इकोनॉमिक सर्वे है, 2019-20 वाला इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ पे इस वर्ड को काफ़ी बार यूज़ किया गया है, इवन फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे भी मेंशन किया गया है। और इनविजिबल हैंड के ऊपर ये फोकस करते हैं और इसलिए आप देखोगे कि मार्केट फोर्सेस यहाँ पे डोमिनेट रहेंगे। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि सारी चीज़ें, अगर किसी को कोई भी गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो वहाँ पे मार्केट जो है ये अपने आप में क्या है, ये केपेबल है कि गुड्स भी प्रोवाइड कर सकता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इनकी प्राइस को भी रेगुलेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई उतनी ही है, तो प्राइस बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई कम हो रही है, डिमांड सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम हो रही है, तो उसकी प्राइस घट जाएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि मार्केट जो है ये अपने आप में सफिशियंट है, रेगुलेट कर सकता है हर चीज़ को, चाहे प्राइस का रेगुलेशन हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, जॉब्स का क्रिएशन भी मार्केट यहाँ पे कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पे ये मार्केट पे आपका फोकस मिलता है। और ये कहा जाता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कम से कम या नहीं के बराबर फोकस करना चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक थ्योरी है या पॉलिसी है, लेसे फेयर इसे कहते हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट का नहीं के बराबर इंटरवेंशन, है ना, सरकार जो है यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के अंदर कोई इंटरवीन नहीं करेगी, सब अपना काम मार्केट करेगा। तो गवर्नमेंट का जितना कम या नहीं के बराबर इंटरवेंशन होगा, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि उतनी ही अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वहाँ पर रहेगी। फाइन, तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में इस तरह के ये कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस रहा। इवन 1929 तक, जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, तब तक ये सभी आपके मार्केट फोर्सेस ही वर्क करेंगे। अब ये जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेबर स्पेशलाइजेशन। लेबर स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, आपके जो स्पीड है ये भी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रिसीजन, क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। और हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सच एन इकोनॉमिक सिस्टम नीड्स टू बी रेगुलेटेड बाय द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, फ्री कॉम्पिटिशन होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन होगा तभी तो वो प्राइस आपका रेगुलेट करेगा। अगर आपने कॉम्पिटिशन को हैम्पर किया है तो फिर मार्केट सिस्टम के अंदर दिक्कत यहाँ पे आएगी। तो कई बार यहाँ पे जो है, या फिर एडम स्मिथ ने खुद ने भी यहाँ पे जो ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है इसको सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहा है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन को नहीं रोक रहे हैं, कॉम्पिटिशन हैम्पर नहीं हो रहा है।
और कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कैपिटलिज्म के केस में हम देखते हैं कई बार क्या होता है, कोई भी अगर आपने इस तरह से प्रयास किया है ना, पॉलिटिकल लिंक अगर आपके अच्छे हैं, सो देयर कुड बी लेस कॉम्पिटिशन, क्योंकि आप अपने फेवर के अंदर चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अगर बिल्कुल नहीं के बराबर इंटरफेरेंस है, तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या कहती है कि फ्री कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिशन के अंदर ऑब्स्टेकल नहीं है। और इस वजह से आप देखोगे कॉम्पिटिशन रहेगा तो प्राइस जो है वो भी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कंज्यूमर को भी यहाँ पे फायदा रहेगा, अपने आप चीज़ें ये एक इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। तो कुल मिला के डिमांड एंड सप्लाई का जो पूरा सीन है उसके बेसिस पे ये चल रहा है। एंड कैपिटलिज्म को अगर हम देखें, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म में जो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे बताया जाता है, तो कैपिटलिज्म इज़ फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगी, ना एक्सचेंज की बात करेगी, वेल्थ के एक्सचेंज की, प्रोडक्शन से सप्लाई से, जबकि कैपिटलिज्म क्रिएशन ऑफ वेल्थ कर रहा है, ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव असेट की यहाँ बात की जा रही है। इन कैपिटलिस्ट सिस्टम देयर माइट बी सम गवर्नमेंट रेगुलेशन, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन आपका कम हो सकता है, जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर कॉम्पिटिशन के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। इसीलिए आप देखोगे लेसे फेयर वाली जो थ्योरी है, जो कहती है गवर्नमेंट का कोई हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का ही एक ये वेरिएशन है कैपिटलिज्म, जिसे कहा जाता है। और काफ़ी आप देखोगे कि यूएसए ने इसको फॉलो किया, फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज हैं, उन्होंने भी इसको फॉलो किया और काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन इन्होंने किया, है ना, बहुत वेल्थ क्रिएशन किया, काफ़ी तेज़ी से इन्होंने ग्रो किया, ये जो मार्केट प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके, फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फॉलो करके। फर्स्ट राइड इन द यूएसए, फिर जैसा हमने चर्चा की ये फैलता है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ये क्या था, ग्रेट डिप्रेशन था, जैसा रिसेशन होता है, आपने नाम सुना होगा रिसेशन का, अभी कोरोना के टाइम पे भी सुना होगा, 2008 के कॉन्टेक्स्ट में भी सुना होगा, एग्जाम्पल्स हैं ये इसके, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। रिसेशन के अंदर क्या होता है, टेक्निकल सेंस में अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ये कहते हैं कि अगर आपकी जीडीपी की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव हो गई है, तो आप मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए, दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का मतलब हो गया 6 महीने के लिए, अगर आपकी यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स टेक्निकली वो कंट्री रिसेशन में है। अब रिसेशन के अंदर का मतलब है कि आपकी जो जीडीपी है और टोटल आउटपुट है कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है ना, डिमांड घट रही है, और इसी का एक बहुत ही बुरी स्थिति कहें, और भी बहुत ज़्यादा रिसेशन जब बहुत बुरी स्थिति में चला जाता है तो डिप्रेशन लाइक सिचुएशन हो जाती है, जहाँ पे आप देखोगे डिमांड बहुत बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सिंस डिमांड इज़ लो, प्रोडक्शन विल ऑटोमेटिकली कम डाउन, प्रोडक्शन जा रहा है तो जॉब्स और कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम देखेंगे ये जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 का, यहाँ पे यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक पहुँच गई थी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोरोना के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ, ग्रेट डिप्रेशन में था, लोगों को खाने के लिए जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं हैं उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, मार्केट में मनी सप्लाई का कंस्ट्रेंट था, बैंकिंग सेक्टर में पैनिक था, दिस वॉज द काइंड ऑफ सिचुएशन ड्यूरिंग दिस ग्रेट डिप्रेशन। तो अगर मार्केट फोर्सेज अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या कैपिटलिज्म, अगर मार्केट फोर्सेज हर चीज़ को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, हर चीज़ के अंदर वो सक्षम है, जॉब वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना, प्राइस रेगुलेशन कर सकता है, हर आवश्यकता की चीज़ को उपलब्ध करा सकता है, तो फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, क्यों लोगों को आवश्यकता की चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही है, क्यों उनको हाउसिंग के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है, क्यों मार्केट के अंदर मनी सप्लाई का क्रंच है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा किस चीज़ पे, कि मार्केट की भी अपनी लिमिटेशन है, मार्केट की अपनी लिमिटेशन है, और इसलिए मार्केट जहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता वहाँ पे सरकार या जो स्टेट है उसको आना पड़ेगा और वहाँ पे उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। और ये आइडिया दिया जॉन मेयार्ड किन्स ने, और उसके बाद उसी आइडिया को अप्लाई किया गया आप देखोगे यूएसए में, और स्टेट के इंटरवेंशन वेलफेयर मेजर्स के हिसाब से, जिसे न्यू डील भी कहा गया, उसके हिसाब से धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो करता है और फिर इस डिप्रेशन से बाहर निकल के रिकवर करती है। तो यहाँ से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का उदय होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा, मार्केट अपनी जगह पर रहेगा और गवर्नमेंट या स्टेट अपनी जगह पर रहेगी, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में है। तो टेक्निकल सेंस में अगर देखा जाए, टू बी मतलब प्योरेस्ट अगर इसके सेंस में देखें, तो आज के टाइम पे जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो टोटल कैपिटलिज्म के बेसिस पे तो नहीं है, क्योंकि हर जगह पे स्टेट का इंटरफेरेंस है, क्लियर।
तो मिक्स्ड इकोनॉमिक आपका कहा जाएगा, जैसे इंडिया की है, मलेशिया है, डेनमार्क है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में ही आएंगे। क्योंकि हर जगह पे आप देखोगे मार्केट प्लस स्टेट ही हो गया है ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा, स्टेट रेगुलेशन कर रहा है। जैसे आप यूएसए में भी देखोगे तो एट प्रेजेंट आप देखोगे वहाँ का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, यूएस फेडरल रिजर्व, वो क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। अगर ये बिल्कुल ट्रू सेंस में ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, तो इसको इंटरवेन नहीं करना चाहिए, क्लियर। बट स्टिल इन्होंने शुरू से ये कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो किया है, इसलिए आज भी इनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का रोल अभी भी कंपैरेटिवली बहुत लिमिटेड है, बट स्टिल देर इज अ रोल। तो ये हुआ एक कैपिटलिज्म जिसकी हमने चर्चा की, ये है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या कैपिटलिज्म। अब हम करते हैं इसकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी अगर हम चर्चा करें, तो हम सभी देखते हैं इनइक्वालिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न रहते हैं कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो हैं उसमें अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसको वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन उसको अगर ज़रूरत है तो वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसको ज़रूरत है तो नहीं मिलेगी, तो जो गरीब आदमी है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको कैसे वो चलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है इनइक्वालिटी का, है ना। इनइक्वालिटीज़ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज कैपिटलिस्ट सिस्टम का है। वेलफेयर एक्शन की यहाँ पर ज़रूरत होती है, इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है उसको कम करने की ज़रूरत। लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमारे सामने आता है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आपकी आई थी, और इस रिपोर्ट ने बताया कि वर्ल्ड का ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ सबसे कम है। तो आप जान के हैरान होंगे कि यूरोप जो है ऐसा रीजन है जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ मिनिमम है, जबकि यूरोप के अंदर आप देखोगे ज़्यादातर इकोनॉमीज हैं मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे स्टेट का भी अपना रोल है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ आपकी कम है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आएंगे इस ग्रेट डिप्रेशन की हम चर्चा करते हैं, जॉन मेयार्ड कर चुके हैं, जॉन मेयार्ड किन्स, जो जिन्होंने कहा कि स्टेट सरकार की अपनी रोल रहेगी, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, रेफरेंस मैंने दिया है। इनको हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में वापस देखेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी पे। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है, फिर हमने मार्केट इकोनॉमी की चर्चा की जिसमें कैपिटलिज्म की बात की। नॉन मार्केट इकोनॉमी में हम चर्चा करेंगे जिसे आप कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, इन सब नामों से जानते हैं। अब नॉन मार्केट इकोनॉमी के भी दो वेरिएशन हैं, एक आपका हो जाएगा सोशलिज्म, एक आपका हो जाएगा कम्युनिज्म। इनमें क्या डिफरेंस है इसको भी देखेंगे, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या है, ये नॉन मार्केट इकोनॉमी है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिसाइड नहीं करेंगे क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, है ना, कि लेबर फोर्स ज़्यादा यूज़ होगा कि मशीनरी ज़्यादा यूज होगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को वो चीज़ मिलेगी या सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ मिलेगी। तो इसका जो डिसीजन है वो सरकार या जो स्टेट कह लीजिए उसने अपने हाथ में लिया। और यहाँ पे ये जो नॉन मार्केट इकोनॉमी के आइडियाज़ हैं ये कार्ल मार्क्स के वर्क के अंदर रूटेड हैं, मतलब इनकी जो फिलॉसफी है उससे इंस्पायर्ड हैं। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दो इसके वेरिएंट हैं, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वेरिएंट यहाँ पे हैं। तो सोशलिस्ट वाला जो वेरिएंट है ये हमें यूएसएसआर उस टाइम पे जो सोवियत संघ था उसके अंदर देखने को मिलता है, और कम्युनिस्ट वाला, कम्युनिज्म वाला जो वेरिएंट है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होगा, ऐसा समझिए कि जो नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर ये कहा गया कि इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिसोर्सेज का कंट्रोल सरकार के पास होगा। ये क्या चाहते थे, देखिए इनकी जो फिलॉसफी है इसे समझने का प्रयास करते हैं, फिर आपका जो डिफरेंस है ये सोशलिज्म, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमीज, ये भी क्लियर हो जाएगा। इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था सभी का वेलफेयर करना, वेलबींग ऑफ ऑल। तो ये कह रहे हैं वेलबींग ऑफ ऑल तभी इंश्योर की जा सकती है जबकि रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास में उसका कंट्रोल किसके पास हो, सोसाइटी के पास हो या फिर स्टेट के पास, सरकार के पास उसका कंट्रोल हो। ऑनरशिप की यहाँ पे बात की जा रही है, ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज या तो यहाँ पे सोसाइटी के पास हो, कम्युनिटी के पास हो, और इसलिए यहाँ पे जो रोल प्ले किया जाएगा वो केवल सरकार या स्टेट के द्वारा प्ले किया जाएगा। क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स के पास ऑनरशिप होगी तो इनइक्वालिटीज इंक्रीज होंगी और फिर वही चीज़ आ जाएगी जो कैपिटलिज्म के केस में। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा, सरकार लेगी या स्टेट यहाँ पे लेगा। अब सरकार यहाँ पे सारे डिसीजन ले रही है तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट का एब्सेंस होगा, मार्केट नहीं है तो कॉम्पिटिशन भी नहीं रहेगा, यहाँ पे मार्केट कॉम्पिटिशन नहीं है, मोनोपोली रहेगी, सरकार की द्वारा जो स्थापित की गई कंपनियाँ हैं वही चीज़ों का प्रोडक्शन करेगी और वही लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लोग इकोनॉमिक रोल प्ले करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ठीक है ना, जो उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से वो अपना इकोनॉमिक रोल प्ले करेंगे और उसके रिटर्न के अंदर उनको मिलेगा जो उनकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, ये है।
अब इसमें आप देखोगे कि जो इंसेंटिव है, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे कोई कम काम कर रहा है तो उसको भी आवश्यकता पूरी हो रही है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको भी उतना ही मिल रहा है। तो इस वजह से आप देखोगे इसके अंदर ये समस्या भी रही कि आप देखेंगे इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है ना, यू हैव सरप्लस, आपका कैपिटल क्रिएट नहीं होता है और धीरे धीरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें, इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए जाएंगे, क्लियर, गाइडेड बाय द बिलीफ दैट इट प्रमोट्स एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबरर्स, जिन्हें ये प्रोलिटेरिएट कहा जा रहा है और जिनके पास में पूरा कंसंट्रेशन है वेल्थ का, उनको बुर्जोजा ये कहा जा रहा है, बुर्जुआ मेंशन किया गया है, टू गेट रिचर ओवर टाइम, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर रहेगा तो डेफिनेटली दे विल बी ओके गेटिंग मोर एंड मोर वेल्थ और फिर ये इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इसलिए आप कहोगे कि जो यहाँ पे है प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाएंगे इंडिविजुअल्स को। ये सिस्टम ट्राई किए गए बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जो रशियन रिवॉल्यूशन रहा उसके अंदर, आप देखेंगे 1919 में इन्होंने क्या किया, सोशलिज्म की तरफ ये मूव करते हैं और इसका सोशलिज्म का भी प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो कम्युनिज्म, अगर हम देखें तो चाइना कम्युनिज्म को फॉलो करता है 49 के अंदर, जिसके अंदर आप देखोगे लेबर वगैरह है इन सब की ऑनरशिप इसके पास में है। इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो द एम वॉज टू सर्व द ऑल, नो आइडिया ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल और वेल्थ विच क्रिएटेड स्कॉर्सिटी ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल, ये इशू था। अब इसमें मेजर डिफरेंस देखिए यही है, आप क्या कर रहे हैं, सोशलिज्म जो है या सोशलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेज भी वर्क कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम है, लेट अस से कि 90% तो स्टेट का ही है, 8 से 10% तक मार्केट का भी है, तो ऑनरशिप का भी केस हो है ना, या फिर मार्केट फोर्सेस का हो, तो सोशलिस्ट वाला जो सेटअप है या सोशलिज्म का सेटअप है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट फोर्सेस भी वर्क करते हैं, जबकि जो कम्युनिज्म वाला है ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर नॉन मार्केट इकोनॉमी है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, आपका बिल्कुल भी यहाँ पे चीज़ों को अलाउ नहीं किया जा रहा है और लेबर वगैरह इन सब का कंट्रोल यहाँ पे स्टेट के हाथ में आपका रहेगा और कोई इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है। तो एक तरह से सोशलिज्म के अंदर जब बिल्कुल उसको आप समझिए कि इनकी जो फिलॉसफी है, जो मार्क्स वाली फिलॉसफी है, इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में फॉलो किया जा रहा है, वो कम्युनिज्म के केस में जो कि चाइना ने अपना है। थोड़ी सी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर है, जहाँ पे आपके थोड़े से मार्केट फोर्सेस और ये भी वर्क कर रहे हैं। तो डिग्री का फर्क है, बाकी इनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट का ओरिजिन एक ही है ना, किस तरह से वर्क कर रहे हैं ये भी एक ही। अब यहाँ पे इसके चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए सब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको भी उतना ही मिल रहा है, कम कर रहा है उसको भी उतना ही मिल रहा है। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं है, किस चीज़ का मोटिवेशन नहीं है, हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन नहीं। सो देर वॉज वर्चुअल एब्सेंस ऑफ द इनोवेशन और हम देखेंगे इन एफिशियंसी यहाँ पे क्रिएट होती है। सिंस देर वॉज नो मार्केट नो कॉम्पिटिशन, यू विल सी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है ना, उनका एफिशियंट यूज़ आप एंश्योर नहीं कर सकते बिना कॉम्पिटिशन के, और इसी वजह से आप देखोगे इन्वेस्टिबल जो कैपिटल है, कैपिटल इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल की स्कार्सिटी हो जाती है, कैपिटल आपको कम मिल रही है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वॉज नॉट देयर। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 70s आते आते ये जो इकोनॉमीज़ हैं, चाहे रशिया की इकोनॉमी हो जिसने सोशलिज्म को फॉलो किया, चाइना की इकोनॉमी जिसने कम्युनिज्म को फॉलो किया, दोनों मॉडल के अंदर चैलेंजेस आना स्टार्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, मार्केट के जो रोल है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि चाइना जो है जिसने कम्युनिज्म फॉलो किया था उसने मार्केट फोर्सेज को अलाउ करना स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, और आज आप देखोगे ये मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर ही चल रहा है। कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये एक तरह से ट्रू सेंस में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह पे हम देखते हैं कि स्टेट और मार्केट का कॉम्बिनेशन ही देखने को मिल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही हमें यहाँ पे जो है ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये मिक्स्ड इकोनॉमी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आज इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे USSR है तो इसने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया 80s के अंदर, मतलब स्टेट का रोल कम करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट का रोल यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी सारे इन्होंने रिफॉर्म किए, रिस्ट्रक्चरिंग, ओपननेस, लिबरलाइजेशन और ये सारी जो चीज़ें थी, इसको ग्लासनॉस्ट और प्रेस्टोइका के नाम से जाना गया। चाइना की ओपन डोर पॉलिसी थी और ये इन्होंने 70s में स्टार्ट कर दिया था, 80s पे जाके और ज़्यादा फोकस किया, और इन्होंने क्या किया, स्टेट का रोल तो था ही, इसके अलावा मार्केट इकोनॉमी को भी इन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया और मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव हो गए। तो हम देख रहे हैं कि 1929 के अंदर है ना, 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज थी वो स्टेट या सरकार के रोल को एक्सेप्ट कर रही हैं, और 70s के बाद से हम देख रहे हैं कि जो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं या सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, वो मार्केट के रोल को एक्सेप्ट कर रही हैं।
इस तरह से हमें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलते हैं, और ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया है ये स्टार्ट हो गया था ग्रेट डिप्रेशन के बाद से, क्योंकि डिप्रेशन ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कैपिटलिज्म पे कि मार्केट जो है हर जगह पे परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर मार्केट फोर्सेस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पा रही है, तो स्टेट को, सरकार को यहाँ पे आना पड़ेगा। सो ये जो आइडिया था जॉन मेयार्ड किन्स ने एडवोकेट किया, उन्होंने कहा कि आपको कुछ फीचर जो है कमांड इकोनॉमीज से लेने पड़ेंगे। कमांड इकोनॉमी मतलब जो सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमीज, कुछ चीज़ें वहाँ पे लेनी पड़ेगी कि जहाँ पे मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा वहाँ पे स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड करे, और जो वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं इनका स्टार्टिंग होता है, वेलफेयर इनिशिएटिव्स का स्टार्टिंग होता है। प्राइवेट सेक्टर वो रोल प्ले करेगा जहाँ पे इनविजिबल हैंड वर्क कर सकता है, जिन चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वहाँ प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुँच सकता, जैसे बेसिक जो नेसेसिटीज़ है आज के टाइम पे आप देखोगे एजुकेशन है, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है इंडिया के केस में आप देखोगे, तो हेल्थ केयर है। तो सरकार क्या करती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट सेक्टर भी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे आपकी मदद के लिए, गवर्नमेंट कहती है गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर भी है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐड की, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का एक वो है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जो ये है डायनामिक एक प्रोसेस है, इसमें फिक्स नहीं है कि ये रोल स्टेट का इतना हो गया, मार्केट का हमने रोल ये फिक्स कर दिया, है ना, कि ये 50-50 होगा कि 70-30 होगा, ये कुछ फिक्स नहीं है। ये हर स्टेट अपनी जो हर देश है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, ये आपका चेंज होता रहता है। हो सकता है कभी स्टेट का रोल ज़्यादा रहा हो, है ना, मार्केट का कम रहा हो, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हो, मार्केट के रोल को कम कर रहे हो, फिर आप वापस से स्टेट के रोल को बढ़ा रहे हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इंडिया का, तो 1991 में जब इंडिया ने बीओपी क्राइसिस फेस किया, बीओपी क्राइसिस जब भारत में फेस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें पैसा नहीं है, मतलब आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, तो आप इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते हो, और आप अपना जो एक्सटर्नल डेट है, मतलब आपने जो देश के बाहर से कर्जा लिया है वो भी आप चुका पाने में सक्षम नहीं हो। सो यू आर फेसिंग अ बीओपी क्राइसिस। इंडिया के पास सिचुएशन यही थी, और फिर 1991 में हमें एलपीजी रिफॉर्म करने पड़े। तो ये जो रिफॉर्म है एलपीजी वाले, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का रोल बढ़ा, इंक्रीज हुआ। ओवर द ईयर्स हमने देखा कि हाँ मार्केट का रोल बढ़ता गया, हालांकि थोड़ा सा पेस उसका कम हुआ, लेकिन फिर हम देखते हैं वापस से इंक्रीज हुआ। अब हमने देखा COVID-19 के बाद से स्टेट का रोल थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे आप देखोगे स्टेट ने क्या किया, कोरोना क्राइसिस हुआ तो भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारे इंटरवेंशन किए गए, स्टेट का सपोर्ट दिया गया, चाहे बेसिक नेसेसिटीज़ के रिगार्डिंग वो इंक्रीज हुआ हो, या रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना हो, अन्न योजना हो, फाइन, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स हो जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये ऊपर नीचे आपका चलता रहता है, इसमें फिक्स नहीं है, और यही मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कि आज इंडिया का है, मलेशिया है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज यही हैं, इवन चाइना जो कि कम्युनिस्ट कंट्री था वो भी आज इसी मॉडल को फॉलो कर रहा है। तो स्टेट मार्केट मिक्स यहाँ पे चल रहा है, और कभी ये ज़्यादा रहता है कभी ये ज़्यादा रहता है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल थीम यही है कि मार्केट को यहाँ पे जहाँ पे भी फंक्शन किया जा सकता है मार्केट यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोलर का जो रोल है उससे रिड्यूस होकर रेगुलेटर के रोल के अंदर आ चुकी है, और यही सिस्टम हमें सब जगह पे देखने को मिलता है। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। सेशन का जो PDF है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, और आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज एक ही जगह मिल जाते हैं। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है। कॉम्बो का मतलब होता है GS और ऑप्शनल, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, और एक ही फीस, एक बार फीस पे करनी है, और जितने भी एजुकेटर हैं उनके जो भी कोर्सेज हैं सब आपको एक्सेसिबल हो जाता है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल फाइंड दिस प्लान्स। यू नीड टू पुट दिस कोड RBLIFE टू गेट द मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। और प्लस केवल GS का सब्सक्रिप्शन की ये फीस है, ये आइकॉनिक की फीस है। आइकॉनिक में काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, लाइव मेंटरशिप का बेनिफिट आपको मिलता है। 29 जून से नए बैचेस स्टार्ट हैं जिनमें आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा केवल ऑप्शनल की ये फीस है, काफ़ी सारे नए ऑप्शनल है जिनके लिए आप जा सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग से टीम बनी हुई है, 0% EMI का ऑप्शन भी मिलता है। हर संडे आपका मेगा कॉम्बैट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLIFE टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट। काफ़ी सारे प्राइसेस आप यहाँ जीत सकते हैं, मैकबुक, आईपैड, मोबाइल एक्सेट्रा। आर्टिकुलेट मैगजीन आप ले सकते हैं। पाथ फाइंडर की टेस्ट सीरीज हर सैटरडे शाम को 5 बजे रहती है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।